नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी और मेरा एक प्लेटफॉर्म है क्लिनिकल गुरुजी, जिस पर कि मैं इमरजेंसी, जनरल प्रैक्टिस, क्रिटिकल केयर ऐसी तमाम तरह की चीजें पढ़ाता हूं। और इस प्लेटफॉर्म पे मेरे बहुत सारे कोर्स चलते हैं, करीब 20 कोर्सेज हैं। जीपी के कोर्स है, एक्सरे का कोर्स है, ईसीजी का कोर्स है, आईसीयू का कोर्स है, एबीजी का भी कोर्स है। तो उसी सिलसिले में लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए मैं कभी कभी बीच में वेबिनार्स करता हूं। उन्हीं में से एक वेबिनार चल रही है आईसीयू की पाठशाला, और उस आईसीयू की पाठशाला का आज तीसरा दिन है जिसमें हम एबीजी पढ़ना सीखेंगे। और एबीजी आपने सबने पढ़ी है, आप सब एबीजी पढ़ सकते हो, आप सब एबीजी को इंटरप्रेट भी कर सकते हो, लेकिन जो मैं तरीका आज सिखाऊंगा उससे आप उल्टा पढ़ना सीखोगे और आपके डायग्नोसिस ज्यादा अच्छे बनेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप एबीजी में कहां अटकते हो और मुझे पता है कि उस अटकने को कैसे सॉल्व करना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, बिल्कुल बिना टाइम गवाए। सबसे पहले तो हम चैट बॉक्स को रेडी रखेंगे और चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे कि नॉर्मल वैल्यूज क्या क्या है। मैं प्रश्न पूछूंगा, आप नॉर्मल वैल्यू लिखोगे। तो पीएच की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? छोड़ो, बिल्कुल ठीक है, 7.35 से 7.45, वंडरफुल, बढ़िया। चलो, तो पीएच की वैल्यू सबको पता है। पीओ टू की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? PO2 की नॉर्मल वैल्यू है 80 to 100। तो 100 में अगर मैं कहूं कि किसी पेशेंट की PO2 100 है तो वो नॉर्मल है, अब लिख के बताओ। अगर किसी की PO2 100 है तो क्या वो 100 नॉर्मल है? लिखो 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 लिखो। हाँ, अब यही सीखना है। एक ने लिखा नो सर। क्यों लिखा नो मुझे भी नहीं पता। वेरी गुड, अच्छे समझदार लोग भी हैं बीच बीच में। ठीक, तो 100 की PO2 नॉर्मल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर मैं कहूं कि कोई पेशेंट रूम एयर पे ब्रीथ कर रहा है और उसकी PO2 100 है तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छे लंग्स हैं। पर अगर वही पेशेंट वेंटिलेटर पे है, उसकी FiO2 100 है और उसमें उसकी PO2 100 है, तो ये बहुत बुरी स्थिति है, ये सीवियर ARDS है। तो 100 की PO2 कैन बी नॉर्मल एंड कैन बी वेरी एबनॉर्मल डिपेंडिंग ऑन व्हाट FiO2 यू आर गिविंग। तो 100 की PO2 या 80 टू 100 जब हम नॉर्मल कहते हैं तो वो नॉर्मल वैल्यू है रूम एयर पे। अगर पेशेंट आपका वेंटी पे है, ऑक्सीजन मास्क पे है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करेंगे कि PO2 शुड बी 4 to 5 टाइम्स ऑफ FiO2। तो रूम एयर पे आपकी FiO2 होती है 21 का 4 से 5 गुना, मतलब 80 to 100, तब नॉर्मल है। लेकिन अगर आपने पेशेंट को वेंटी पे रखा है, वेंटी पे उसकी FiO2 50% है, अब उस 50% में उसकी PO2 होनी चाहिए 200 से लेके और 300 के बीच में या 250 तक। तो अगर 200-250 नहीं और 100 है तो एबनॉर्मल है। तो PO2 की नॉर्मल वैल्यू 80-100 नहीं होती, 4 to 5 टाइम्स ऑफ FiO2 होती है। ठीक, PCO2 की वैल्यू लिखो नॉर्मल। अरे मैंने लिख दी पहले, चलो कोई बात नहीं, मत लिखो PCO2 की, मुझे बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू लिख के बताओ। शाबाश, ठीक है, सबको सब आता है तो ये अच्छा है। अगर बेस तैयार है तो मुझे इसके ऊपर का पढ़ाने में मजा आएगा। बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू है 22 से 26। एवरेज अपन जब कैलकुलेशंस करेंगे तो हम CO2 को नॉर्मल मानेंगे 40 और बाइकार्ब को नॉर्मल मानेंगे 24, एग्जैक्टली मिडिल नंबर, 35 से 45 40, 22 से 26 24। चलो साहब आगे बढ़ो। बेस एक्सेस की नॉर्मल वैल्यू होती है -2 से लेके +2 के बीच में, और सोडियम पोटेशियम क्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू आपको पता है, फिर भी एक बार बता देता हूं। सोडियम 140, सब में 4 का अंक आएगा, देखना। सोडियम की नॉर्मल वैल्यू 140, क्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू 104, सोडियम 140, क्लोराइड 104 और पोटेशियम 4, तीनों में 4 आएगा। अब याद रहेगा, सोडियम 140, क्लोराइड 104 और पोटेशियम 4। ठीक है, आ गया अच्छे से। अच्छा, इस क्लास में मैं पढ़ाऊंगा कम, पूछूंगा ज्यादा, तो सबकी नॉर्मल वैल्यूज हमको याद हो गई। अब नॉर्मल वैल्यूज आपको पता है, अब हम सीधे एक एबीजी को पढ़ने चलेंगे। तो ये एबीजी आपके सामने है, इसको आपको पढ़ना है, पढ़ पा रहे हैं ना? नहीं तो मैं एक बार रीड कर देता हूं। पीएच 7.25, पीओ 290, पीसीओ 225, बाइकार्बोनेट 15, एसिडोसिस की एल्कलोसिस। अरे लोगों के जवाब ही आ गए सीधे,
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, ये देखो ये होती है ऑडियंस फटाफट। ठीक है सर, बहुत ही अच्छी बात है। अब दूसरा देखो, बदल गया वैल्यू ना, स्लाइड चेंज हो गई है। 7.55 PO2 90 की 90 मैंने नॉर्मल रखी, PO2 में आज कोई खेल नहीं करेंगे। PCO2 25, बाइकार्बोनेट 22, बताओ ये क्या है, बताओ बताओ बताओ। चलो पहले ये बताओ, पीएच 7.55 है तो एसिडोसिस है कि अल्कलोसिस है? अल्कलोसिस है, ठीक है। अब अगर उसमें पीसीओ टू कम है तो कौन सा अल्कलोसिस है? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। मेटाबॉलिक तो नहीं लिखा किसी ने? नहीं लिखा, एक ने लिख दिया था। ठीक है चलो, तो पीसीओ टू कम है, पीएच ज्यादा है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो सबको सब आता है, पीएच बढ़ी हुई है तो अल्कलोसिस है, पीएच घटी हुई है तो एसिडोसिस है, PCO2 कम है और एल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। PCO2 बढ़ी हुई है और एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बाइकार्बोनेट कम है और पीएच कम है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है और पीएच ज्यादा है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो ये तो मतलब सर आप सभी आता है, क्यों पढ़ा रहे, रिपीट कर रहे हो। चलो ठीक है, अब एक नॉर्मल एबीजी है, पीएच 7.38, 35 से 45 होती है, नॉर्मल है। PO2 नॉर्मल है, PCO2 भी ऑलमोस्ट नॉर्मल है, 35 से 45 होती है, एक आध नंबर पे इतना ध्यान मत देना, ठीक है। बाइकार्बोनेट 18 है, नॉर्मल है एबीजी, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। क्यों क्यों नहीं अबनॉर्मल, क्यों अबनॉर्मल है, क्यों 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 क्यों, नॉर्मल है तो सही, पीएच नॉर्मल है, पीसीओ टू नॉर्मल है, बाइकार्ब थोड़ा सा कमें चला लो। नहीं चलो, और दो तीन चीजें डाल देता हूं इसका, सोडियम पोटेशियम भी डाल देता हूं, वो भी नॉर्मल ही दिख रहे हैं मुझे तो मोस्टली, तो अब तो ठीक ही दिख रही है मुझे। नहीं, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आज से हम सीखेंगे कि एबीजी को उल्टा कैसे पढ़े। तो आज तक आप कैसे पढ़ते रहे, आप देखते थे पहले पीएच और पीसीओ टू, फिर आप देखते थे बाइकार्बोनेट कितना है, फिर आप विंटर फॉर्मूला लगाते थे और उससे कैलकुलेट करते थे कि पीसीओ टू और बाइकार्बोनेट बराबर बराबर मैच हो रहे कि नहीं हो रहे। फिर आप देखते थे कि एनायन गैप कितना है, फिर आप देखते थे डेल्टा गैप कितना है, स्ट्रॉन्ग आयन डिफरेंस कितना है और बाइकार्बोनेट गैप कितना है, और इस सब से आप कैलकुलेट करते थे और उससे निकालते थे, और जब असली एबीजी सामने आती थी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता था। गलत बोल रहा हूं क्या? आज तक जीवन भर हम ऐसे ही करते आए, हम ये सारे गैप गूप और बाइकार्बोनेट और विंटर फॉर्मूला सब लगा लेते हैं, और जब असली एबीजी सामने आती है तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अभी भी मैंने देखा करीब 400 लोग हैं, उसमें से चार सवाल, चार लोगों के जवाब सही है, बाकी किसी का नहीं, इस वाले पीएजी, इस वाले एबीजी में। तो आज से हम एबीजी को उल्टा पढ़ना सीखेंगे, यही मेरा आज का टारगेट है। तो उल्टा मतलब नहीं, ऐसा नहीं उल्टा, आज से हम एबीजी को रिवर्स पढ़ेंगे। रिवर्स मतलब क्या, अभी तक क्या करते थे, पीएच देखते थे, मैं सिखाऊंगा कि पीएच देखने नहीं, फिर उसके बिना ही अपन निकाल लेंगे बड़े बड़े डायग्नोसिस। देखो साथ में लगे रहना, फोकस करके रखना, बहुत कुछ सीख के जाओ, क्योंकि ये तरीका किसी को नहीं आता। तो हम एबीजी को रिवर्स कर रहे हैं, कैसे रिवर्स करेंगे, सबसे पहले एनायन गैप निकालेंगे, फिर बेस एक्सेस देखेंगे, फिर बाइकार्बोनेट देखेंगे, और एंड में टाइम बचा तो पीएच और पीसीओ टू देख लेंगे। ठीक, रेडी? अगर रेडी हो तो एक बार लिखो रेडी, फिर मैं पढ़ना शुरू करता हूं। ठीक है, अरे इतने लोग रेडी हैं, पर्याप्त है, बहुत है। चलो तो एनायन गैप होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो, हमारे शरीर में ब्लड में बहुत सारे सॉल्यूट्स घुले हुए हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट, ये फॉस्फेट वो फॉस्फेट, तमाम तरह की चीजें घुली हुई हैं। उसमें कैटायंस हैं और एनायंस हैं। कैटायंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज और एनायंस मतलब निगेटिवली चार्ज, यहां तक कोई चमत्कार नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना कि बेबी को बेस पसंद है, वैसे बॉडी को इलेक्ट्रो न्यूट्रैलिटी पसंद है। इलेक्ट्रो न्यूट्रैलिटी मतलब ये कि टोटल चार्ज जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव होना चाहिए, इसमें कोई शर्त नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव की संख्या एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए, भले उसके लिए पीएच कम करनी पड़ जाए। तो बॉडी को एसिडोसिस भी पसंद नहीं है, बॉडी को अल्कलोसिस भी पसंद नहीं है, बॉडी को इलेक्ट्रो न्यूट्रैलिटी ही पसंद है। अगर उसे चूज करना पड़ा तो वो पीएच एक्सेप्ट कर लेगी कि एसिडोसिस हो जाए, वो एक्सेप्ट कर लेगी कि अल्कलोसिस हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रो न्यूट्रैलिटी पे आंच नहीं आने देगी। इलेक्ट्रो न्यूट्रैलिटी मतलब क्या, कि जितने इधर पॉजिटिव है तराजू में
उतने ही इधर निगेटिव होने चाहिए। अच्छा गिनते हैं, देखो ये तराजू, इस तराजू में एक तरफ कैटायन में सबसे बड़ा कैटायन कौन, सोडियम, क्यों सबसे ज्यादा 140, पोटेशियम छोटा सा चार नंबर का उसको छोड़ दो, सबसे बड़ा कैटायन शरीर का कौन, सोडियम, कितना 140 मिलीक्यूलेट, तो 140 का कैटायन रखा है सोडियम यहां, उसको बराबर करने के लिए सबसे पहले तो लगता है क्लोराइड, कितना क्लोराइड 104, तो 140 को बैलेंस करने के लिए 104 लगा, अभी भी कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है 140 माइनस 104 कितना 36 की 26 देख लेना जो भी है, तो सोडियम को कंपनसेट करने के लिए 140 में से 104 हो गए क्लोराइड, फिर आ गए 24 बाइकार्ब, अब टोटल कितना हो गया 104 प्लस 24 कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया 128, और इसके अलावा तो कोई कैटायन एनायन होता ही नहीं है, क्योंकि हम कितना नाप पाते हैं बीजी में, हम या तो सोडियम नापते हैं, क्लोराइड नापते हैं, बाइकार्ब नापते हैं, पोटेशियम नाप लेते हैं, तो अभी भी ये बैलेंस हुआ नहीं, अभी भी कितने की कमी पड़ रही है 12 की, ये 12 की कमी कहां से पूरी होती है, मैंने कहा ना बॉडी को इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी पसंद है, बॉडी को जितने एनायन है उतने ही कैटायन चाहिए, लेकिन हम मेजर कर पा रहे हैं केवल बाइकार्ब को और क्लोराइड को, इसके अलावा भी कुछ अनमेजर्ड एनायंस हैं जो हमें मेजर नहीं हो रहे, पर हमें पता है कि इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है, तो ये 12 छुपे हुए अनमेजर्ड एनायंस कहीं ना कहीं होंगे, और इन अनमेजर्ड एनायंस को हम कहते हैं एनायन गैप। तो एनायन गैप का मतलब क्या हुआ कि सोडियम तो है 140, तराजू में हमने एक तरफ 150 किलो का 140 किलो का वाट रख दिया, उसके बराबरी में तोलने के लिए हमने रखा पहले क्लोराइड, कितना 104 जितना होता उतना रख दिया, फिर बाइकार्ब भी रख दिया 24, उसके बाद तराजू बैलेंस हो गई, तो दैट मींस कि कुछ चीज ऐसी है जो हमें दिख नहीं रही है लेकिन उस 140 को बैलेंस कर रही है, वो जो नहीं दिखती चीज है दैट इज अनमेजर्ड कैटायन, अनमेजर्ड एनायंस, यानी कि एनायन गैप, इसी चीज को कहते हैं एनायन गैप, कि कितने एनायन हमको दिख नहीं रहे हैं, अगर यही अनमेजर्ड एनायंस बढ़ जाए तो उसको कहते हैं हाई एनायन गैप एसिडोसिस। जैसे मान लो कि सडनली मरीज को कोई H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड का इंजेक्शन लगा दे, ठीक, आपने सल्फ्यूरिक एसिड पेशेंट को लगा दिया, कितना 10 आयन आपने सल्फ्यूरिक एसिड के SO4 के 10 आयन आपने डाल दिए, अब क्या होगा कि जैसे ही पेशेंट के अंदर ये 10 एनायन नए वाले पहुंचे, अब क्या होगा ये 10 एनायन से लड़ने के लिए 10 बाइकार्बोनेट सैनिक जाएंगे, और ये 10 बाइकार्बोनेट के सैनिक इन एनायन से लड़के अपने आप को शहीद कर देंगे, एक बाइकार्बोनेट एक एनायन को मार पाता है, फिर से समझो शरीर में हुआ एसिडोसिस, उसको कंपनसेट करने के लिए आपके बाइकार्बोनेट बफर की तरह गए और जाके उनसे लड़े, तो जितने एनायन थे उतने ही बाइकार्ब गए, तो 10 एनायन बाहर से आए तो 10 बाइकार्ब उनसे लड़ने गए और उन 10 को न्यूट्रलाइज करने में वो 10 बाइकार्ब शहीद हो गए, तो नई पिक्चर क्या बनी कि बाइकार्बोनेट 20 में से तो कम हो गए और कितने बचे, बाइकार्ब बचे 14, बैलेंस अब भी बराबर है, गिनो जरा एक बार 104 प्लस 14 कितना हुआ 118, 118 प्लस 12 कितना हुआ 118 प्लस 12 120 और 10 130 और 10 140, तो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है, लेकिन आप क्या मेजर कर सकते हो, आप सिर्फ मेजर कर सकते हो बाइकार्बोनेट और क्लोराइड, तो अनमेजर्ड कौन कौन से रहे, 12 भी अनमेजर्ड है, और ये जो बाहर से आया था सल्फेट फॉस्फेट लैक्टिक एसिड कीटो एसिड जो भी आपके इथिलीन ग्लाइकॉल तमाम तरह की चीजें, कोई भी बाहर से जो एसिड आया था वो भी मेजर नहीं होता, तो अब अनमेजर्ड एनायंस आपके हो गए 12 की जगह 22, तो आपका एनायन गैप कितना हो गया 22, तो इसे हम कहेंगे हाई एनायन गैप एसिडोसिस। बात समझ में आई, अगर आई हो तो लिखो आई, तो फिर मैं आगे बढ़ाऊं, आई नहीं आई हो तो भी होता ना, आई आई सबको आई, क्या बात है, एक को नहीं आई, चलो फिर से कोशिश करते हैं। सोडियम जितना है उतने ही इस तरफ छोटे छोटे फल होने चाहिए, समझो एक तरफ तरबूज रखा है, मैं पहले जब भी पढ़ाता था तो ऐसे ही तरबूज का फोटो लगाता था कि एक तरफ तरबूज रखा है करीब करीब 140 किलो का
और उसके बराबर में छोटे छोटे और दूसरे फल रखें। कौन कौन से? क्लोराइड 104, बाइकार्बोनेट 24 और अनमेजर्ड 12। अब कोई बाहर से एसिड अगर आया तो वो भी रहेगा अनमेजर्ड ही, और जितना अनमेजर्ड एसिड आएगा उतना बाइकार्बोनेट शहीद हो जाएगा। क्यों? अगर बाहर से 10 सल्फेट आया या लैक्टेट आया तो 10 बाइकार्ब जाएंगे और इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए उसके एच आयन से लड़के H2CO3 बना के और CO2 बन के बाहर निकल जाएंगे। अब बाइकार्बोनेट घटके हो गए हैं 24 से 14 और अनमेजर्ड एनायंस बढ़ के हो गए हैं 12 से 22। ये जो अनमेजर्ड एनायंस है जो 12 थे और 22 हो गए हैं, दिस इज कॉल्ड एज एनायन गैप विच इज इंक्रीज्ड। इट्स नॉर्मल वैल्यू इज लाइक 8 to 16, पर अगर ये 20-22 आ रहा है तो दिस इज हाई एनायन गैप एसिडोसिस। इसका उल्टा भी हो सकता है कुछ, जैसे क्या होता उल्टा बताता हूं। एक वही की वही स्टोरी है कि 140 तुम्हारा सोडियम है, उसको बैलेंस करने के लिए तुम्हें लगता है एक तो क्लोराइड लगा तुम्हें कितना, तुम्हें क्लोराइड लगा 104, फिर तुम्हें बाइकार्बोनेट लगा 24, फिर तुम्हें अनमेजर्ड कितना लगा 12। ठीक, इस सबका टोटल हो गया 140। एक और स्थिति हो सकती है कि बाहर से कोई एसिड नहीं आए और बाइकार्बोनेट ही कम हो जाए, मतलब पेशेंट को किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई या पेशेंट को डायरिया हो गया और सडनली उसके बाइकार्ब घटके 24 की जगह मान लो 12 रह गए, यानी उसके 12 बाइकार्बोनेट या तो डायरिया में निकल गए या सुसु में निकल गए और अब उसके बाइकार्बोनेट केवल बचे 12, तो क्या होगा? इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी भाई? यहां तो 140 है और यहां कितने बचे? 104 प्लस 12 कितना हुआ? 104 और 12 114 और 2 116। अनमेजर्ड कितने हैं? 116 प्लस 12 कितना हुआ? 128। 12 की अभी भी कमी पड़ रही है। वो 12 एनायन कहां से आएंगे? ऐसे में बॉडी क्लोराइड को बढ़ा लेती है और इसको 104 की जगह इसमें करीब करीब 12 क्लोराइड बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 104 प्लस 12 इट विल बी 116। तो इस मरीज को आप देखोगे तो इसका बाइकार्बोनेट 12 घट गया। कैसे घटा? कहीं शहीद होने नहीं गया, कोई बाहर से दुश्मन नहीं आया था, शरीर ने ही डायरिया करके या शरीर ने ही रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस करके बाइकार्ब को बाहर फेंक दिया। अब ये बाहर गया हुआ बाइकार्ब कैसे कंपनसेट हो? तो इसकी जगह एनायन को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड 104 की जगह बढ़ के 116 हो जाता है। तो यहां एनायन गैप जरा भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पेशेंट को एसिडोसिस तो हुआ ना, बाइकार्ब का लॉस हुआ। तो इस एसिडोसिस को हम कहेंगे नॉन एनायन गैप एसिडोसिस। दो तरह के एसिडोसिस हो सकते हैं, एनायन गैप और नॉन एनायन गैप एसिडोसिस। एनायन गैप मतलब हाई एनायन गैप, मतलब जिसमें बाहर से एसिड आया और उसने एनायन गैप को बढ़ा दिया। दूसरा नॉन एनायन गैप मतलब जिसमें बाहर से एसिड नहीं आया, अंदर से ही बाइकार्बोनेट का लॉस हुआ और पेशेंट को एसिडोसिस हो गया। ठीक, आया समझ में? ये यकीन मानो बहुत सारे लोगों को नहीं आता, तुम एमडी मेडिसिनों से जाके पूछ लो, तुम्हारे यहां भी बैठे होंगे, अभी इस वेबिनार में भी बैठे हो तो बताना कि तुमको आज तक ऐसा समझ में आया हो। तो दो तरह के एसिडोसिस है, एक को हम कहते हैं नॉन एनायन गैप, एक को हम कहते हैं नॉन एनायन गैप एसिडोसिस यानी कि नगमा, और दूसरा होता है हाई एनायन गैप एसिडोसिस। दो तरह के एनायन गैप एसिडोसिस है, नॉर्मल एनायन गैप और हाई एनायन गैप। ठीक है, तो अब हमारी जो जिसको हम नॉर्मल एबीजी कह रहे थे ना, उसको हम उल्टे तरीके से पढ़ना सीखेंगे। कैसे पढ़ें इसको देखते हैं। मुझे पीएच देखनी नहीं है, हमारी पहली स्टेप क्या थी? हम एनायन गैप कैलकुलेट करेंगे। जरा इसका एनायन गैप तो निकालो, सोडियम 140, ठीक, उसमें से माइनस करो 100, कितना बचा? 40। ठीक, उस 40 में से माइनस करो 18, कितना बचा? 40 में से 18 गया तो कितना बचा? 22। तो हमारे इस पेशेंट का एनायन गैप है 22। इसकी पीएच तुम्हें कितनी भी नॉर्मल दिख रही हो, इसको हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब पीएच नॉर्मल दिख रही है तो कंपनसेट हो रहा होगा किसी तरह से, पर इसको हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। आपने बिना ऊपर की चीज देखे, जिन चीजों को आप कभी नहीं देखते थे उन्हें देख के डायग्नोस कर डाला कि इसको HAGMA है। ठीक,
आया समझ में? एक और इमेज ट्राई करते हैं, इसको देखो जरा, इसमें तुम निकालो। अरे यार इसमें तो निकाल ही दिया किसी ने, ठीक है। तो अगेन इसकी पीएच तो मुझे देखना ही नहीं है, मैंने तो सीधे कैलकुलेट किया, इसका एनायन गैप आया 20, एनायन गैप 20 है, मतलब इसको हाई एनायन गैप एसिडोसिस है। आया समझ में? तो हम एबीजी में ना पीएच देख रहे हैं ना पीसीओ2 देख रहे हैं, हम तो सोडियम पोटेशियम देख रहे हैं और उससे निकाल रहे हैं इसको हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। वो चीज इसको निकालने में हमको कितने कैलकुलेशन लगते थे। फिर से आगे चलते हैं, इस एबीजी को देखो, इसका एनायन गैप निकालो, इसका एनायन गैप नॉर्मल है लेकिन फिर भी इसको एसिडोसिस है। कैसे पता? क्योंकि हमारी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया एनायन गैप। अगर एनायन गैप बढ़ा हुआ आया, हमने कहा इसको हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, नहीं आया तो हमने कहा इसको हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं है। अगली स्टेप पे गए, अगली स्टेप पे हमने देखा बेस एक्सेस कितना है। बेस एक्सेस को कम ही लोग देखते हैं, पर बेस एक्सेस बताता है कि किसी भी एसिडोसिस में या एल्कलोसिस में मेटाबॉलिक कंपोनेंट कितना है। उसको रेस्पिरेटरी से कोई मतलब नहीं है, बेस एक्सेस सिर्फ एक चीज बताता है कि मेटाबॉलिक कंपोनेंट कितना है, और मेटाबॉलिक कंपोनेंट होना चाहिए कितना, माइनस टू से प्लस टू के बीच में। बेस एक्सेस की नॉर्मल वैल्यू कितनी, माइनस टू से प्लस टू। इस पेशेंट का कितना है, माइनस फाइव। तो हमने पहली स्टेप क्या करी, हमने देखा एनायन गैप कितना है, एनायन गैप है नॉर्मल। हम अगली स्टेप पे गए, हमने देखा बेस एक्सेस कैसा है, एसिडोटिक है, नॉर्मल एनायन गैप एसिडोसिस, दिस इज मैग्मा, नॉर्मल एनायन गैप एसिडोसिस। बिना पीएच देखे, बिना पीसीओ2 देखे हमें यही पता है। तो पहली स्टेप में आपने क्या देखा, आपने देखा एनायन गैप कितना है, एनायन गैप बढ़ा हुआ था मैग्मा, एनायन गैप नॉर्मल था। अगली स्टेप पे गए, एसिडोसिस था मैग्मा। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं बढ़ा हुआ, उसमें भी चलेंगे। अब इसको देखो, इस एबीजी में एनायन गैप कितना है, एनायन गैप नॉर्मल है लेकिन बेस एक्सेस माइनस सेवन, एसिडोटिक है ना, तो इसको कौन सा एसिडोसिस लिख के दिखाओ। व्हाट इज द रेंज ऑफ गैप, एनायन गैप की नॉर्मल रेंज है 8 से 16 भी कहते हैं कुछ लोग, पर अपन 12-14 के ऊपर उसको एबनॉर्मल मानते हैं। एनायन गैप एक्चुअली डिपेंड करता है प्रोटीन पे, अभी अपन 8-16 मान के चलेंगे, ठीक है साहब। इसको कौन सा एसिडोसिस है, मैग्मा। तुम्हें कुछ कैलकुलेट करना पड़ा, तुमने कोई विंटर फार्मूला लगाया, तुमने कोई फार्मूला नहीं लगाया, तुमने सिर्फ देखा एनायन गैप नॉर्मल, बेस एक्सेस नेगेटिव, मैग्मा। वैसे भी डायरिया में यही होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे, समय बताओ 35। चल आया, एनायन गैप का फॉर्मूला क्या है, एनायन गैप का कोई फॉर्मूला नहीं है। सोडियम में से बाइकार्ब और क्लोराइड घटा दो, सोडियम 140 नहीं, इस पेशेंट का सोडियम जितना भी है उसमें से बाइकार्बोनेट जितना है वो भी माइनस कर दो और क्लोराइड जितना है वो भी माइनस कर दो, कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो इसका कैसे निकालेंगे, 140 में से 115 माइनस करो, कितना बचा, 25 ना, बता दीजिए ना, 25 है ना, 140 में से 115 माइनस किया, बचा कितना, 25, ठीक। फिर 25 में से 15 भी माइनस कर दिया, कितना बचा, 10, ये इसका एनायन गैप 10। तो मुझे कोई फॉर्मूला नहीं आता, मैं तो इसमें से ये माइनस करता हूं, बड़े में से छोटा, फिर और छोटा माइनस कर देता हूं, तो आता है वो एनायन गैप है। क्या एक्सप्लेन करूं, एनायन गैप कैसे कैलकुलेट करना है, वही तो बताया अभी, फिर से बताता हूं। एनायन गैप कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है, सबसे बड़ा राक्षस कौन, सोडियम, 140 130 145 जो भी नंबर है, उसमें से छोटा राक्षस कम करो, कितना, क्लोराइड। तो 140 में से मान लो क्लोराइड आपका 100 है, तो आपने कम किया, कितना हो गया, 40। अब उसमें से बाइकार्बोनेट भी कम कर लो, मान लो बाइकार्बोनेट है 20, तो आपने 140 में से पहले कम किया 100, बचा 40, उसमें से कम किया 20, बचा कितना, 20, आपका एनायन गैप 20 है। कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसी जबानी हो जाते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। बेस एक्सेस की नॉर्मल वैल्यू होती है माइनस टू से प्लस टू, अगर माइनस टू से और ज्यादा माइनस में है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, प्योर मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कंपोनेंट बेस एक्सेस में मिलता है। अगर प्लस टू से ऊपर की तरफ है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक। तो बेस एक्सेस निकालना क्या, बेस एक्सेस माइनस सेवन है, मतलब खूब नेगेटिव है एसिडोसिस। कौन सा एसिडोसिस, नॉर्मल एनायन गैप एसिडोसिस। तो आपने हाई एनायन गैप डायग्नोस करना सीखा, आपने नॉर्मल एनायन गैप डायग्नोस करना सीखा। एक बार स्टेप्स को रिवाइज करते हैं, और कुछ छूटा तो नहीं, बेस एक्सेस बता दिया, अभी तो एक्सप्लेन किया, बेस एक्सेस को एक्सप्लेन करना है फिर से। बेस एक्सेस मतलब कि किसी भी एसिडोसिस या एल्कलोसिस में मेटाबॉलिक कंपोनेंट कितना है, मेटाबॉलिक मतलब जो भी मेटाबॉलिक, रेस्पिरेटरी नहीं, जो रेस्पिरेटरी नहीं हो मेटाबॉलिक,
मेटाबॉलिक कंपोनेंट कितना है, दैट इज बेस एक्सेस। बेस एक्सेस कितना होना चाहिए, या तो प्लस टू या माइनस टू या प्लस वन माइनस वन या जीरो, इतनी इसकी रेंज है। अगर प्लस टू से ज्यादा चला गया, प्लस एट है, प्लस टेन है, प्लस ट्वेल्व है, तो दिस इज बिकम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अगर माइनस फाइव, माइनस सेवन, माइनस टेन, माइनस फिफ्टीन, देन इट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो बेस एक्सेस जितना निगेटिव में उतना एसिडोसिस, जितना पॉजिटिव में उतना एल्कलोसिस। ठीक है सर, तो नॉर्मल एनायन गैप भी हो सकता है और हाई एनायन गैप भी हो सकता है। इन दो से तीसरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं होता, रेस्पिरेटरी हम देखेंगे। तो हमने दो चीजें रूल आउट कर दी, यही दो चीजें सबसे कठिन होती है डायग्नोस करने में, बड़े बड़े ज्ञानियों से पूछ लेना। ये हमने सबसे पहले रूल आउट कर दी, अब हम ऊपर चलेंगे। तो हमारी स्टेप्स क्या थी, सबसे पहले हमने देखा एनायन गैप कितना है, हाई है तो हैग्मा, नॉर्मल है नेग्मा, सॉरी हाई है तो हैग्मा, नॉर्मल है तो अगली स्टेप पे जाएंगे। अगली स्टेप में हम देखेंगे कि बेस एक्सेस कैसा है। अगर बेस एक्सेस बहुत निगेटिव है, एनायन गैप नॉर्मल, बेस एक्सेस निगेटिव, देन इट इज नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर एनायन गैप भी नॉर्मल है और बेस एक्सेस भी नॉर्मल है तो अगली स्टेप पे जाएंगे, या बेस एक्सेस निगेटिव नहीं है, नॉर्मल है और बढ़ा हुआ है, तो भी हम अगली स्टेप पे जाएंगे। आया समझ में, मजा आया? ट्रीटमेंट नहीं पढ़ाऊंगा आज, डायग्नोसिस पढ़ाऊंगा खाली। तो हमने पहली स्टेप देख ली, दूसरी स्टेप देख ली। पहली स्टेप में एनायन गैप चेक किया, बढ़ा हुआ था हाई एनायन गैप, नॉर्मल था तो अगली स्टेप पे गए। अगर बेस एक्सिस ज्यादा निगेटिव में है, नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर बेस एक्सिस नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है तो अगली स्टेप पे जाएंगे। अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप में हम चेक करेंगे कि बाइकार्बोनेट कितना है। ठीक, तो आपने देखा कि एनायन गैप नॉर्मल है, मतलब हैग्मा नहीं है। इवन बेस एक्सेस भी नॉर्मल है तो नेग्मा भी नहीं है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस रूल आउट हो गए। अब आप जाके बाइकार्बोनेट को देखो, बाइकार्बोनेट क्या होगा, या तो बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ होगा या बाइकार्बोनेट भी नॉर्मल होगा। ठीक है ना, देखो आपने दोनों तरह के मेटाबॉलिक एसिडोसिस रूल आउट कर दिए, तो या तो बाइकार्बोनेट नॉर्मल होगा या बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ होगा, राइट? अब अगर बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है तो पीएच देखो। अब अगर पीएच भी हाई है तो क्या होगा, यहां समझो। फिर से पहली स्टेप से रिपीट करूंगा। पहली स्टेप एनायन गैप देखा, एनायन गैप बढ़ा हुआ है, हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एनायन गैप बढ़ा हुआ नहीं है, हटाओ उसको, आगे चलो, बेस एक्सेस देखो। एनायन गैप बढ़ा हुआ नहीं है, बेस एक्सेस बहुत निगेटिव है, नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नहीं बढ़ा हुआ है, नहीं निगेटिव है बेस एक्सेस, बेस एक्सेस भी या तो नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है, अगली स्टेप पे जाओ, बाइकार्बोनेट देखो। अब अगर दोनों तरह के मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं है तो बाइकार्बोनेट भी लो तो नहीं होगा ना, या तो बढ़ा हुआ होगा या नॉर्मल होगा। तो अगर बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है तो पीएच देखो, अगर बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है तो पीएच देखो, और अगर पीएच भी हाई है तो यहां देखो इस पिक्चर को। तो आपने सबसे पहले देखा एनायन गैप नॉर्मल है, बेस एक्सेस पॉजिटिव में है, बढ़ा हुआ है, बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, क्या चीज दिख रही है तुमको, बताओ जरा, देख के बताओ, देख के बताओ, देख के बताओ। क्या चीज है ये, लिखो, देखो ना, चलो उल्टा करते हैं, क्या क्या नहीं है, क्या ये हैग्मा है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एनायन गैप नॉर्मल है। क्या ये नेग्मा है, नहीं है, क्योंकि बेस एक्सेस निगेटिव में नहीं है, बेस एक्सेस तो पॉजिटिव में है, बेस एक्सेस भी पॉजिटिव में है, बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, वैसे तो सामने ही दिख रहा है ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक, दो स्थितियां हो सकती है, अगर बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है और पीएच भी बढ़ी हुई है तो ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। फिर से ध्यान से सुनना, अगर बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है और पीएच भी बढ़ी हुई है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। लेकिन अगर बाइकार्बोनेट बढ़ा है और पीएच कम है या लो नॉर्मल है तो वो रेस्पिरेटरी का कंपेंसेशन कर रहा है। मैं पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं सिर्फ डायग्नोसिस की स्टेप सिखा रहा हूं, समझना। अगर किसी का
मेटाबॉलिक एसिड ऑक्सीजन आपने रूल आउट कर दिया, ना नगमा है ना हिगमा है। अब आप पहुंचे बाइकार्बोनेट पे, बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, बेस एक्सेस बढ़ा हुआ है, पीएच भी बढ़ी हुई है, एल्कलोसिस है भाई, कौन सा मेटाबॉलिक, क्यों हर चीज तो मेटाबॉलिक है, बाइकार्बोनेट बेस एक्सेस पीएच। लेकिन अगर बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है और पीएच लो है तो क्या होगा, ये पीएच बॉर्डर लाइन है, लो है या नॉर्मल साइड है, इसकी पीसीओ2 पे हम ध्यान ही देंगे, पीसीओ2 की हमने बात ही नहीं की। बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, बेस एक्सेस हायर साइड है, सोडियम क्लोराइड वो सब ठीक है, अरे हमने पहले दिखा दिया, चलो कोई बात नहीं। तो इसका एनायन गैप नहीं है, नॉन एनायन गैप भी नहीं है, दोनों एसिडोसिस नहीं है, बेस एक्सेस बढ़ा हुआ है, बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, लेकिन पीएच कम है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉम्पेंसेशन फॉर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इस कॉम्पेंसेशन वाले पॉइंट को 5 मिनट और समझाऊंगा, क्यों जरा, जब भी कभी किसी को एसिडोसिस होता है तो बॉडी उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करती है, किसी को एल्कलोसिस होता है तो भी बॉडी कंपेंसेट करने की कोशिश करती है। तो मान लो किसी को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों होगा किसी को, मान लीजिए कोई बाबा है, उनके सर पर डंडा मार दिया, बाबा हो गए बेहोश, उनकी सांस हो गई कम, अब वो सांस नहीं ले रहे, उनकी CO2 इकट्ठी होती जा रही है, जितनी CO2 इकट्ठी होगी उतना उनका पीएच कम होती जाएगी, एसिडोसिस बढ़ता जाएगा। उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए बॉडी क्या करेगी, बाइकार्बोनेट को प्रिजर्व करना शुरू करेगी, मतलब वो रीनल एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट को रोक लेगी। तुरंत में एक या दो बाइकार्ब बढ़ेगा, पर अगर 2-3 दिन तक बाबा ने ठीक से सांस नहीं ली तो उनका बाइकार्बोनेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते 28-30 तक भी चला जाएगा। तो जितने सीओपीडी वाले पेशेंट हैं, जितने ओबीस पेशेंट हैं, जितने ओएसए वाले पेशेंट्स हैं, इन सारे मरीजों को जिनको भी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रहते हैं, उनके बाइकार्ब बढ़ जाते हैं। लेकिन ये कंपेंसेशन कभी भी इतना नहीं होता कि प्राइमरी डिसऑर्डर से ऊपर निकल जाए, मतलब ऐसा नहीं होता कि एसिडोसिस को कंपेंसेट करने गए और एल्कलोसिस कर दिया, ऐसा भी कभी नहीं होता कि एल्कलोसिस को कंपेंसेट करने गए और एसिडोसिस कर दिया। तो कंपेंसेशन इज नेवर इनफ, कंपेंसेशन इज नेवर सफिशिएंट। तो अगर किसी का बाइकार्ब हाई है और पीएच भी हाई है तो इसका मतलब कि वो पीएच बाइकार्ब के कारण ही हाई है। लेकिन अगर किसी का बाइकार्ब हाई है और पीएच लो या नॉर्मल है, मतलब वो बाइकार्ब पीएच को बढ़ा नहीं रहा है, वो बाइकार्ब पीएच को पुल करके बचाने की कोशिश कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, फिर से समझो, अगर किसी का रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है मान लो, तो उसकी पीएच होनी चाहिए थी 7.25, उसकी CO2 चल रही 70-80, उसकी पीएच होनी चाहिए थी कितनी 7.25-7.28। अब किडनी ने बाइकार्ब बचाने शुरू किए, धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड किडनी ने बाइकार्बोनेट को बढ़ा के 28-30-32 कर लिया, और धीरे धीरे करके पीएच 7.28 से बढ़ के 7.34-7.35 तक आ गई। ऐसा नहीं होगा कि इस बाइकार्बोनेट के कारण पीएच बढ़ के अल्कोहलिक हो जाए, 7.50 हो जाए, ना 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 ना, पीएच रहेगी कितनी, या तो नॉर्मल या थोड़ी सी कम। तो ये कॉम्पेंसेशन कभी भी ओवर कॉम्पेंसेशन नहीं होता। तो अगर पीएच नॉर्मल है और बाइकार्बोनेट खूब बढ़ा हुआ है तो ये बाइकार्बोनेट उस पीएच को मेंटेन कर रहा है, ये बाइकार्बोनेट उस पीएच को खींच के ऊपर ला रहा है। लेकिन अगर पीएच बढ़ी हुई है और बाइकार्ब भी बढ़ा हुआ है तो इस बाइकार्बोनेट ने ही तो पीएच को बढ़ाया है, ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। डिड यू गेट इट, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं आया? ओके, आया 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 आया, एक को नहीं आया, दो को नहीं आया, वंस अगेन, तीन को वंस अगेन, ठीक है 5 मिनट और बिताऊंगा इसमें। फिर से समझो, किसी भी इंसान को अगर खूब सारा एसिडोसिस हो जाए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसी इंसान को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाए तो उसकी पीएच बहुत कम हो जाएगी, उसके अंदर कीटो एसिड्स बढ़ जाएंगे, उसकी पीएच 7.40 होनी चाहिए थी, उसकी बजाय 7.30 हो गई, उसकी पीएच बहुत कम हो गई। उस पीएच को इंप्रूव करने के लिए बॉडी कंपेंसेट करेगी। बॉडी कैसे कंपेंसेट करती है, अगर एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो कंपेंसेशन ब्रीदिंग से होता है। बॉडी क्या करेगी, खूब तेज तेज सांस लेगी ताकि सारी CO2 बाहर निकल जाए और थोड़ा सा एल्कलोसिस होना शुरू हो जाए। लेकिन कभी भी वो एल्कलोसिस इतना नहीं होगा कि प्राइमरी एसिडोसिस से ऊपर निकल जाए। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अगर किसी की पीएच बढ़ी हुई है और बाइकार्ब भी बढ़ा हुआ है तो वो पीएच बाइकार्ब ने ही बढ़ाई है। लेकिन अगर किसी का बाइकार्ब तो बढ़ा हुआ है
पर पीएच बढ़ी हुई नहीं है, तो बाइकार्ब ने वो पीएच मेंटेन करके रखी, वो बाइकार्ब कंपेंसेट करने की कोशिश कर रहा है किसी और पैथोलॉजी को। तो इफ समबडी हैज अ हाई बाइकार्ब एंड हाई पीएच, इट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एंड इफ समबडी हैज अ हाई बाइकार्ब बट लो पीएच, देन इट इज कॉम्पेंसेटेड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो फार सो गुड। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले हमने एनायन गैप चेक किया, एनायन गैप अगर बढ़ा हुआ था तो हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर एनायन गैप नॉर्मल था तो अगली स्टेप पे चले गए। अगली स्टेप पे हमने देखा कि बेस एक्सेस कितना है निगेटिव में स्पेशली, अगर बेस एक्सेस बहुत निगेटिव है तो ये नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, दिस इज नेगमा। यदि बेस एक्सेस भी नॉर्मल है या बेस एक्सेस हाई है तो अगली स्टेप पे गए। अगली स्टेप में हमने बाइकार्बोनेट देखा, अगर बाइकार्बोनेट भी हाई था, बाइकार्बोनेट लो तो हो नहीं सकता था क्योंकि लो होता तो इनमें से कोई चीज होती, लेकिन अब बाइकार्बोनेट लो तो हो ही नहीं सकता, हमने दोनों चीजें रूल आउट कर दी है, तो या तो बाइकार्बोनेट हाई होगा और उसके साथ पीएच भी हाई होगी, दिस विल बी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, या फिर यह भी हो सकता है कि बाइकार्बोनेट हाई होगा और पीएच लो होगी, दिस विल बी कॉम्पेंसेशन फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऐसा भी हो सकता है कि बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, अगर यहां से यहां तक सारी चीजें नॉर्मल है और बाइकार्बोनेट भी नॉर्मल है तो ऑल चांसेस की उसकी पीएच और पीसीओ2 भी नॉर्मल निकलेगी और आप एबीजी को नॉर्मल कहकर शांति से सो सकते हैं। ठीक, अगर ऐसा भी है तो भी एक आखिरी स्टेप पे जाओ और जाके देख लो कि पीएच कितनी है और पीसीओ2 कितनी है। कैसे देखेंगे, हमने चेक किया पीएच पीसीओ2 कितनी है, अभी तक सारी चीजें नॉर्मल थी, बाइकार्ब भी नॉर्मल था, और अब अगर ऐसे में पीएच और पीसीओ2 भी नॉर्मल है तो आपकी एबीजी नॉर्मल है। अगर उल्टा है, मान लीजिए कि पीएच बहुत हाई है पर पीसीओ2 बहुत लो है, तो ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। क्यों, पेशेंट CO2 वॉश कर रहा है, एंजाइटी में है, पेन में है, वेंटिलेटर पे फाइट कर रहा है या कोविड में है और CO2 को वॉश आउट कर रहा है, खूब सारा पीएच बढ़ा हुआ है, दिस इज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। और अगर पीएच लो है, पीसीओ2 हाई है, तो ये होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो दिस वाज इजी, स्टेप बाय स्टेप फिर से रिवाइज करते हैं। एनायन गैप चेक किया, बढ़ा हुआ था नेगमा, नहीं बढ़ा हुआ था, नेक्स्ट स्टेप, बेस एक्सेस खूब निगेटिव था, नेगमा नहीं था निगेटिव, नेक्स्ट स्टेप बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, पीसीओ2 नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है, एबीजी नॉर्मल, बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, पीएच भी बढ़ी हुई है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है लेकिन पीएच नहीं बढ़ रही है, कंपेंसेशन फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यहां तक सब चीजें ठीक है और पीएच बढ़ी हुई है, पीसीओ2 कम है, बाइकार्बोनेट ऑलमोस्ट नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एक्यूट वाला। यदि पीएच कम है, पीसीओ2 बढ़ी हुई है, एसिडोसिस रेस्पिरेटरी तुरंत हुआ है, पेशेंट के सर पे डंडा मार दिया, पेशेंट ने जहर खा लिया, पेशेंट ने खूब सारी दारू पी ली, नींद की गोलियां खा ली और पेशेंट धूस हो गया, यहां पीएच लो पीसीओ2 हाई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एग्जांपल देख के बताता हूं, इसको देख के बताओ कि ये क्या है, मेरे सिस्टम से चलना, सीधे मत देखना, उल्टे देखना। एनायन, हाँ चलो अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो एनायन गैप क्या इसको हैग्मा है कि नहीं है, पहले ये बताओ, हैग्मा नहीं है, सबने लिख दिया, क्या इसको नेगमा है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर नेगमा होता तो बेस एक्सेस माइनस फाइव माइनस सेवन माइनस एट होता, तो इसको हैग्मा नहीं है, इसको नेगमा नहीं है। बाइकार्बोनेट देखा, थोड़ा सा हायर साइड है लेकिन पीएच घटी हुई है, बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ, पीएच घटी हुई, क्या हुआ, कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कंफर्म किया, पीसीओ2 भी बढ़ी हुई थी, बाइकार्बोनेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ था पर पीएच कम थी, दिस इज कॉम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक, आया मजा, और ये अक्यूट अनकंपेंसेटेड नहीं, बॉर्डर लाइन कंपेंसेटेड है, कंपेंसेटेड पूरी तरह नहीं है, बट दिस इज अक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में, अरे यार मैंने आंसर ही पहले डाल दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर भी समझो, शुरू से करो। एनायन गैप नॉर्मल है, बेस एक्सेस नहीं बढ़ा हुआ, तो ना हैग्मा है ना नेगमा है,
बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, पीसीओ टू थोड़ी सी कम है, पीएच थोड़ी सी ज्यादा है, बॉर्डर लाइन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, हो सकता है कि पेशेंट संभव हाइपर वेंटिलेट कर रहा हो, एंजाइटी में हो, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। तो आज की कहानी सिर्फ यहीं तक थी। ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये मुझे बॉक्स में लिख के बताइएगा। अच्छा लगा हो तो आप हैप्पी लिख सकते हैं।